guys, welcome to my channel. That's Kala Gala और मैं हूँ कांक्षा. In today's video, I'm going to review Earth Rhythm Matte Mineral Sunscreen, जो कि आपको इस टाइप के आउटर बॉक्स में मिलती है और ये इसकी ट्यूब टाइप की इनर पैकेजिंग है. ये एक 100% मिनरल सनस्क्रीन है क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाई ऑक्साइड एज यूवी फिल्टर्स यूज किए गए हैं. ये दोनों ही मिनरल फिल्टर है, यानी कि फिजिकल फिल्टर है. इसमें कोई भी केमिकल फिल्टर नहीं यूज किया गया है. ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ मिलती है. ये आपकी स्किन को यूवी ए एंड यूवी बी दोनों रेज से प्रोटेक्ट करेगी. इसमें आपको एसपीएफ 50 एंड पीए ट्रिपल प्लस का प्रोटेक्शन मिलता है. अभी कुछ दिन पहले तक ही ये जो सनस्क्रीन है वो मेरी बेस्ट मिनरल सनस्क्रीन में से एक थी. एक्चुअली अभी तक मैंने जितनी भी मिनरल सनस्क्रीन यूज की है उनमें से इसका फॉर्मूला मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था. पहली बात यह है कि इसका जो फॉर्मूला है वो आपको एकदम कंप्लीट मैट और वेलवेटी फिनिश देता है. इसके साथ साथ बहुत सारी और इवन मैंने जितनी भी अभी तक मिनरल सनस्क्रीन यूज की हैं उसमें आपको एक अजीब सा टिंट मिलता है जो कि मेरी स्किन के साथ ज्यादा अच्छे से नहीं जाता था. तो पहली बात यह है कि इस सनस्क्रीन में इस टाइप का कोई भी टिंट यूज नहीं किया गया है. ऑब्वियसली क्योंकि ये मिनरल सनस्क्रीन है ये थोड़ी सी आपको हैवी लगेगी. जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो हल्का सा आपके चेहरे को ये व्हाइट कर देती है कुछ देर तक, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद वो जो व्हाइट कास्ट है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है. इसका जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट वाटर प्रूफ स्वेट प्रूफ है जो कि केमिकल सनस्क्रीन में आपको नहीं मिलता है. केमिकल सनस्क्रीन चाहे कितना भी बोले कि वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट प्रूफ है, लेकिन जब आपको पसीना आता है या फिर अगर आप पानी से या फिर जेल वाले फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करते हैं तो सनस्क्रीन आराम से निकल जाती है. बट ये जो सनस्क्रीन है ये आपके चेहरे पे पानी गिरे, आपको स्वेटिंग हो या फिर आप जेल बेस्ड जो आपके फेस क्लेंजर है उससे अपना फेस वॉश करने की कोशिश करें, ये जो सनस्क्रीन है ये आपके फेस से इजीली नहीं जाती है. आपको कम से कम भी 2 बार अपना फेस वॉश करना पड़ेगा अपने जेल बेस्ड फेस क्लेंजर से, तब जाके ये सनस्क्रीन आपके चेहरे से निकलेगी. तो चलिए अब बढ़ते हैं लाइव क्लिप्स की तरफ. सनस्क्रीन हमेशा आपको मॉर्निंग में यूज करनी है. सनस्क्रीन आपके मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का सबसे लास्ट स्टेप होता है. टोनर और सीरम और अपना मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी में मिलती है. अगर आप ये सनस्क्रीन लेने की सोच रहे हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस सनस्क्रीन को बाहर जाने से करीब 10 से 15 मिनट पहले आपको अप्लाई कर लेना है. अदरवाइज ये अजीब सी आपके चेहरे पे वाइट वाइट दिखाई देती रहेगी. 10 से 15 मिनट आप अगर इस सनस्क्रीन को देंगे तो ये आपके चेहरे में बहुत ईजिली न्यूट्रलाइज हो जाती है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही आराम से स्प्रेड होती है चेहरे पे, एकदम आपको कंप्लीट मैट फिनिश देती है. तो आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली हो, आपको बहुत पसीना आता हो, आप ह्यूमिडिटी वाली जगह में रहते हो और या फिर ये गर्मियों का मौसम हो, तो उस केस में ये जो मिनरल सनस्क्रीन है वो बहुत ही अच्छा आपके पास ऑप्शन है. क्योंकि पहली बात ये है कि इसमें आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिल रहा है, स्वेटिंग से ये नहीं जाती है, वाटर से नहीं जाती है, जो कि एक अच्छी बात है. तो ये आपको काफी लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करेगी सन की हार्मफुल यूवी रेज से, क्योंकि ये निकलेगी नहीं, तो इसीलिए आपको इसे बार बार रीअप्लाई नहीं करना होगा. मिनरल सनस्क्रीन जनरली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज्यादा सूटेबल होती है क्योंकि ये आपकी स्किन पे एक प्रोटेक्टेड ग्लेयर क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से किसी भी टाइप की यूवी रेज आपकी स्किन को पेंट्रेट नहीं कर पाती और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको मैं क्लोज क्लिप दिखा रही हूँ. अप्लाई करने के बाद ये अजीब सी तरीके से आपके चेहरे को व्हाइट कर देती है, तो आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल सा लुक दिखाई दे रहा होगा. इवन ये क्रीज भी कर जाती है आपकी आईलिड पे, और इवन आईलिड भी आप देख रहे होंगे ना थोड़ा सा ये अनइवन दिखाई देती है आपके चेहरे पे. एक आर्टिफिशियल सा लुक तैयार हो जाता है इस सनस्क्रीन को यूज करने के बाद. इसीलिए कम से कम भी 10 मिनट पहले इसे बाहर जाने से अप्लाई करें. और ये जस्ट 10 मिनट बाद की क्लिप है, आपको अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये धीरे 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 स्किन में सेट होने लगी है. जस्ट 10 मिनट बाद ये उतनी आर्टिफिशियल नहीं लगती जितनी की इमीडिएट लगाने के बाद लगती है. तो ये और इसके बाद उसमें कोई क्रीज वगैरह कुछ भी नहीं रहती है. और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये करीब 4 से 5 घंटे बाद की क्लिप है, और आप देख सकते हैं एकदम कंप्लीट फ्रेश लुकिंग मेरा चेहरा लग रहा है और किसी भी टाइप का पसीना या फिर ऑयलीनेस मेरे चेहरे पे नहीं है. तो ये हो गई इसकी अच्छी बात है. लेकिन
इसका जो फॉर्मूला है वो हाईली हाईली कॉमेडोजेनिक है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, जो कि बेस की तरह इसमें डाला गया है, वो है कोकोनट एल्केन्स। कोकोनट एल्केन्स हाईली हाईली कॉमेडोजेनिक होते हैं। मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रोन है, और जब सबसे पहले मैंने इस सनस्क्रीन को पैच टेस्ट करने के लिए यूज किया, इससे मुझे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद दो दिन तक पैच टेस्ट करने के बाद जब मैंने इसे अपने एंटायर फेस पे लगाया, मुझे इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा अच्छा लगा। जब आप स्टार्टिंग में लगाते हैं तो क्योंकि ये एक मिनरल सनस्क्रीन है, इसलिए आपको इसका फॉर्मूला हैवी लग सकता है, और एक्चुअली हैवी है भी, क्योंकि मिनरल सनस्क्रीन आपकी स्किन पे एक लेयर क्रिएट कर देती है। उस लेयर की वजह से किसी भी टाइप की यूवी ए या फिर यूवी बी यानी कि यूवी जो रेज है वो आपकी स्किन को पेंट्रेट नहीं कर पाती। और इवन ये जो सनस्क्रीन है, इन जनरल जो फिजिकल सनस्क्रीन है, वो भी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती है। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह आपकी स्किन की आउटर सरफेस पे बनी रहती है। इसीलिए मिनरल सनस्क्रीन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज्यादा सूटेबल होती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो जो हैवीनेस है वो चली जाती है, और इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजीली बहुत कंफर्टेबल तरीके से आपकी स्किन पे सेट हो जाता है। तो जो हैवीनेस है वो आपको स्टार्टिंग में एक दो दिन तक लग सकती है, लेकिन उसके बाद आप भी इसके फॉर्मूले से यूज टू हो जाएंगे, और ये जो फॉर्मूला है वो भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इसीलिए फॉर्मूला के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है ये जो फॉर्मूला है वो हाईली कॉमेडोजेनिक है, और क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रोन है तो इसीलिए 3-4 दिन इस सनस्क्रीन को डेली बेसिस पे यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे छोटे छोटे दाने मेरे चीक्स पे आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि इसी सनस्क्रीन की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि कभी कभी मौसम जब बदलता है, कभी कभी आप जब स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर आप खाना पीना आपका थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है, तो तब भी एक्ने प्रोन स्किन वाले लोगों को एक्ने या फिर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं पता था कि इस सनस्क्रीन की वजह से ही ये हो रहा है, या फिर ऐसे ही कुछ मेरे रूटीन में चेंजेस आए हैं उस वजह से ये हो रहा है। उसके बाद जब मैंने इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट गो थ्रू की तो मुझे सबसे पहला ही इंग्रेडिएंट इसमें हाईली हाईली कॉमेडोजेनिक मिला, तो मुझे समझ आ गया कि सिर्फ और सिर्फ यही सनस्क्रीन है जिसकी वजह से मेरी जो स्किन है उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस मैं आजकल ऑब्जर्व कर रही हूँ। रेगुलर केमिकल एक्सफोलिएशन यूज करने के बावजूद भी वो जो छोटे छोटे दाने थे वो मेरे चेहरे पे बने हुए थे। तो गाइस ये जो फॉर्मूला है वो मुझे अच्छा लगा। अगेन मैं यही कहूंगी, अगर आप कोई मिनरल सनस्क्रीन खोज रहे हैं तो मार्केट में अवेलेबल बहुत सारी सनस्क्रीन से ज्यादा बेटर ये वाली सनस्क्रीन है। तो अगर आपको कॉमेडोजेनिक इसका फॉर्मूला होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फिजिकल सनस्क्रीन में। अदरवाइज अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, या फिर आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, और पोर्स क्लॉग होने की वजह से आपको भी मेरी तरह ब्रेकआउट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सनस्क्रीन आपके लिए नहीं है। तो गाइज मुझे उम्मीद है आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।